ये है जफर सादिक अब्दुल इकबाल। तमिल फिल्मों का जाना माना प्रोड्यूसर और डीएमके के एनआरआई विंग का नेता। एनसीबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर इसे जयपुर से गिरफ्तार किया है। एनसीबी के मुताबिक जफर एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। एनसीबी ने 15 फरवरी को दिल्ली में इस सिंडिकेट से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और 50 किलो पार्टी ड्रग्स बरामद की थी। ये पिछले माह की 15 तारीख को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और एनसीबी की ऑपरेशन ब्रांच ने मिलकर एक ऑपरेशन किया, जिसमें हम लोगों ने एक गोडाउन से अवेंटा नाम की कंपनी के 50 किलो सूडोएफेड्रिन जब्त किया और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि इसका मास्टरमाइंड एक जफर सादिक अब्दुल रहमान है, जो कि तमिलनाडु के फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म प्रोडक्शन का काम करता है कवर बिजनेस के रूप में, और वही इस ड्रग को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में भेज रहा था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक जफर मलेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 4000 करोड़ की पार्टी ड्रग्स सप्लाई कर चुका है। ड्रग्स के पैसे को वो फिल्म बनाने, होटल खरीदने और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहा था। उसकी तमिल फिल्म मगई हाल में रिलीज होने वाली थी। उसने 7 लाख रुपए डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को भी दिए। इनमें से 5 लाख रिलीफ फंड और 2 लाख रुपए पार्टी फंड में दिया। ड्रग सिंडिकेट में टॉलीवुड के कई फाइनेंसर और प्रोड्यूसर के शामिल होने का शक है। जांच में पता चला है कि जफर सादिक कॉस्टिंग काउच में भी शामिल रहा है। उसकी डीएमके नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हैं। इस मामले में मनी ट्रेल की जांच के लिए एनसीबी ने ईडी को भी चिट्ठी लिखी है। एनसीबी डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में अब एनसीबी ईडी के साथ मनी ट्रेल की जांच करेगी और पता लगाएगी कि ये पैसा एक राजनीतिक पार्टी और फिल्मों के अलावा कहां कहां इन्वेस्ट किया गया है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।